प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को देंगे सौगात। 35 विशेष फसलों की किस्में करेंगे पेश। कृषि कार्यक्रम में किसानों से भी करेंगे संवाद। वहीं हरियाणा सरकार ने प्रदेश में एक साल के लिए बढ़ाया गुटखा और तंबाकू पर बैन। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश। बिक्री या फिर निर्माण करते पकड़े जाने पर होगी जेल। वहीं देश में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटों में 18,795 नए मरीजों की पहचान। 179 मरीजों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। वहीं प्रदेश में कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 13 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आया 100 के नीचे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के आह्वान पर किसान नेताओं ने बुलाया था भारत बंद। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए। वहीं किरण चौधरी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। बोली, सरकार को तुरंत करनी चाहिए इस मामले में सुनवाई। किसानों की बात करके कृषि कानून रद्द करे सरकार। वहीं सोनीपत में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। कपास के खेतों में हुई कई फीट तक पानी भरने से फसल हुई खराब। किसानों ने गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की। वहीं गुरुग्राम में मौलवी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। मस्जिद में खाना देने गई थी 7 साल की मासूम। लोगों ने मौलवी की जमकर पिटाई की। जींद के उचाना कला में बेकाबू कार ने खड़ी कार में मारी टक्कर। सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। हादसे में कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। और कुरुक्षेत्र में शहीद जवान गुरजंट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों के साथ दी शहीद को विदाई। असम में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए थे गुरजंट।